क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइम। ये सिंपल सा क्वेश्चन बड़ा लगता है पर थोड़ा सा लेंदी है तो सिंपल ही, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं और इसका सही रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, आपको पेपर में कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये भाई 1 न्यूटन क्या है, क्लास 9 में पहली बार आपने पढ़ा था, 1 न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। भाई न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, ठीक है। और किस सिस्टम में है, इन MKS सिस्टम। ये क्या है भाई, अरे क्लास 11 में टापते ही आपने यूनिट एंड मेजरमेंट में चार सिस्टम पढ़े होंगे, CGS, MKS, FPS और SI सिस्टम। तो ये MKS सिस्टम है, इसमें जो मास होता है वो किलोग्राम में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, ये है वो सिस्टम। तो उसमें फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अब ये डाइन क्या है, अरे डाइन फोर्स की ही छोटी यूनिट है, डाइन फोर्स की ही छोटी यूनिट है। डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, ठीक है जी। CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या कहलाता है, डाइन। कोई आपसे पूछ लेगा कि छोटी यूनिट बता फोर्स की CGS सिस्टम में, तो आपको क्या कहना है, डाइन कहना है, ठीक है जी। पहले आपको ऐसा कर लेना है, फिर सुनो, अब आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है जी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यही नहीं पता आपको। अरे भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस में लेते हैं, केजी में, एमकेएस सिस्टम में। देखो मास किस में लेते हैं, केजी में, एमकेएस सिस्टम में। और ए एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पर यार मैं इसका डायरेक्ट लिखता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है इसका डायमेंशन। अब सुनो, केजी क्या है, मास, मीटर क्या है, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन एल, एस क्या है, टाइम, सो टी माइनस टू। सो ये आ गया आपके पास फोर्स का डायमेंशन, लिख दो यहां पर एम एल टी माइनस टू, ठीक है जी, ये आ गया डायमेंशन। अब आपको लिखना है आके एक लाइन, देयरफोर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू माइनस टू। ये क्या लिख दिया, अरे ए है एम का पावर, बी है एल का पावर, सी है टी का पावर, और हर बारी ऐसे ही करना है। अब यहां पर फोर्स का आपको यूनिट गिवन है, अगर किसी और की भी यूनिट गिवन हो तो आप उसका यहां पर डायमेंशन निकालो, और ए बी सी क्या होगा, ए होगा एम का पावर, बी होगा एल का पावर, सी होगा टी का पावर, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब आगे यहां पर आपको लिखना है MKS सिस्टम, और यहां पर वो सिस्टम जिसमें आपको इस यूनिट को कन्वर्ट करना है। भाई मुझे CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं CGS लिख रहा हूं। यहां पर कुछ और सिस्टम भी हो तो उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अब क्या लिखना है आपको, M1, L1, T1, U1, N1, ये सब क्या लिख दिया भाई, कुछ नहीं लिखा है, तो डर कर दे। M1 क्या है, अरे M1 है MKS सिस्टम में, M1 किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं ना, MKS, के से केजी। L1 किस में, मीटर में, और ये टाइम किस में, सेकंड में। U1 क्या है, यूनिट, यूनिट कैसे निकालते हैं, अरे डायमेंशन देखो ना, M क्या है, केजी, और L क्या है, मीटर, और टाइम क्या है, S का पावर माइनस टू, मतलब T की पावर माइनस टू क्या होगा, S का पावर माइनस टू, ठीक है। N1 क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, अरे ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 न्यूटन को ही तो कन्वर्ट करना है। देखो क्या होता है, इसमें एक और सिस्टम है, इसको कहते हैं हम N1, इसको कहते हैं U1, इसको कहते हैं N2 और U2, और N2 आपको निकालना है यहां पर, ठीक है। N2 आपको गिवन नहीं है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है यही तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो यहां पर N1 क्या हो गया, 1 हो गया, ये वन, ठीक है जी, ये वन आपका N1 हो गया। इसी तरीके से इधर आ जाओ, अरे L2, रुको मैं मार्कर चेंज कर लू, एक सेकंड, T2 और U2 और N2, ठीक है। अब CGS सिस्टम में M2 क्या, मास किस में होता है, ग्राम में, ठीक है जी, ग्राम में, तो ग्राम ही हो गया। L2 किस में होगा, सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में ही रहता है। U2 आपको किस कैसे निकलेगा, अरे CGS सिस्टम में दूसरे वाले की यूनिट, मतलब टाइम की यूनिट निकालनी है आपको, कैसे निकालनी है, देखो ये हमने किससे निकाल दी, डायमेंशन की हेल्प से, सो U2 भी डायमेंशन की हेल्प से निकालेंगे। यहां पर मास किस में है, ग्राम में है, ठीक है जी, और टाइम किस में है, सॉरी लेंथ किस में है आपका, सेंटीमीटर में, अच्छा जी, टाइम किस में, सेकंड में, और सेकंड का पावर क्या है, माइनस टू, तो ये आपका इसमें हो गया यूनिट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपका आगे वाला क्या स्टेप है, आपको यहां पर एक लाइन लिख लिया, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, आपको बेसिक से बताने चलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला जो बुक्स में भी यही लिखा रहता है, N2 equals to N1 M1 upon M2 का पावर A, L1 upon L2 का पावर B,
T1 अपॉन T2 का पावर सी, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भाई बोर्ड में, ठीक है। N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 ABCA का पावर है जो हमने ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है, N2 निकालना है और ये वाला N2। N1 का वैल्यू क्या है देखो, यहां पर है 1 न्यूटन, ठीक है जी, तो यहां पर आ गया 1। M1 क्या है, M1 आपका हो रहा kg, ठीक है, तो kg अपॉन M2 क्या है, M2 किसमें है, ग्राम में। अच्छा इसे करो ब्रैकेट क्लोज, और पावर क्या है A का, ये रहा, ठीक है जी। अब आ जाओ इधर, L1 किसमें गिवन है, L1 N1 हो रहा मीटर में, L2 किसमें है, L2 ले रहा सेंटीमीटर में, और ये पावर क्या है B, इसका पावर है 1, ठीक है। T1 किसमें है, सेकंड में, T2 किसमें है, सेकंड में, और पावर कितना है माइनस का 2, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, अब भाई इसे ना आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकंड से तो देखो सेकंड कट गया, N2 इक्वल्स टू 1। अभी 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और पावर कितना है 1, और 1 यार कुछ नहीं होता, 1 का पावर 1 होता। अब सुनो मीटर क्या, अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और नीचे भी सेंटीमीटर, पावर क्या 1, और ये तो 1 आएगा और 1 का पावर माइनस 2, और 1 का पावर कुछ ही है वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसे तो हटा ही दो फिलहाल यहां से, पर आपको हटाने नहीं, करके दिखाना है सिंपल। अब सुनो N2 इक्वल्स टू 1, अब देखो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये क्या बचा 1, 2, 3, ये 1000 बचा, और यहां से कितना बचा 100। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 5 लिख सकता हूं, तो मतलब N2 का वैल्यू आ गया क्या 10 की पावर 5। और आपको पेपर में ऐसे ही नहीं निकाल के दिखाना, आपको यहां पर एक आंसर भी लिखना है लास्ट में कि 1 न्यूटन इक्वल है 10 की पावर 5 डाइन के, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। देखो है कुछ नहीं, खाली एक फॉर्मेट से चलना है, जिस जो आपको यूनिट दे रखी वो किसका यूनिट ऑफ फोर्स है, किसमें, एमकेएस सिस्टम में, दूसरे वाला होता है सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस में कन्वर्ट करने को दिया जाता है। हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, हमेशा आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर वो अपने यूनिट बना के देंगे, स्टार यूनिट दे देंगे, कभी आपको ये कह देंगे जो मास है वो 10 kg है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं। देखो कन्वर्जन के क्वेश्चन में 3 टाइप है खाली, एक तो सबसे सिंपल टाइप ये है, दूसरे वाला एक और है, तीसरे वाला एक और है, ठीक है, वो मैं कराऊंगा पूरी प्लेलिस्ट पे। तो चलिए जी, ये था आपका क्वेश्चन, अच्छे से करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है जी।